हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद ट्रिक्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैन्युफैक्चर, अगर हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करने वाले हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकलेगी। तो ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने टेलीस्क्रीन पर, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वाउचर क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पर हमें मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए आपके पास एक वाउचर होना चाहिए। कि नॉर्मली हमारे पास, आप वाउचर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर, आप जो F10 का बटन दबाएंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से कोई वाउचर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं वाउचर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाउचर टाइप पे जाते हैं, क्रिएट पे चले जाते हैं, सॉरी क्रिएट, क्रिएट के अंदर वाउचर टाइप्स, और यहाँ पर नेम क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पर लेंगे स्टॉक जनरल। देन इसके बाद लास्ट में, क्योंकि स्टॉक जनरल को हम यूज़ करना चाहते हैं, स्टॉक जनरल खुद का भी एक वाउचर है तो उसको हम यूज़ करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए भी, तो हम इसको यस कर देंगे, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल यस, इसको हमें यस करना है। इसको यस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले आइटम क्रिएट कर लेते हैं और अपनी लिस्टिंग तैयार करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले उसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम तैयार कर रहे हैं, मान लेते हैं हम असेंबलिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हम कंप्यूटर बना रहे हैं, फॉर कंप्यूटर हमने बना दिया, हम i7 का प्रोसेसर के साथ एक कंप्यूटर बनाने वाले हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया i7, ठीक है, कंप्यूटर i7, इसको हम रखेंगे फिनिश गुड में, तो यहाँ फिनिश गुड बना लेते हैं। और ये कंप्यूटर हमारा जाने वाला है नंबर्स में, तो उसका मेजरमेंट कर लेते हैं नंबर्स में। इसके बाद ये बॉम यहाँ पर आपको यस करना है, अगर आपकी स्क्रीन पे बॉम नहीं आ रहा है तो आप F12 का बटन प्रेस करेंगे, F12 का बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये शो करेगा बिल्स ऑफ मटेरियल। अगर आपको ये यस ना हो तो इसको यस कर लेना इधर, ठीक है, तब आपके शो कर जाएगा बिल्स ऑफ मटेरियल, तो आपको यहाँ पर इसको यस करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद हम इसको यस करेंगे, नेम ऑफ बॉम पूछेगा, नेम ऑफ बॉम हमारा हो गया बिल्स ऑफ मटेरियल, हमारा कंप्यूटर i7 है। अब आता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, वो कह रहा है कि आप कितने यूनिट है जो इसको मैन्युफैक्चर करने के, हमने कहा अभी हम लिस्टिंग तैयार कर रहे हैं तो हम बताने वाले हैं कि हम एक पीस को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। तो इसको हमने वन रखा, वन रखने के बाद हम इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए जो हम इसको बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने बनाया कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए क्या, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड है हमारा S61, ये मॉडल डाल दिया हमने कुछ ऐसा, और यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि ये है रॉ मटेरियल। और ये भी नंबर्स में जाएगा। अब आप बॉम यस नहीं करेंगे, सिर्फ बॉम जो आपको यस करना होता है वो सिर्फ मैन प्रोडक्ट पे यस करना होता है जो आपको फिनिश गुड बनाना है, इस पर हम रॉ मटेरियल में यस नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल ए कर देते हैं या एंटर कर सकते हैं आप। हम बताने वाले हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें एक मदरबोर्ड की नीड है। नेक्स्ट और क्या आइटम चाहिए, हमने कहा दूसरा आइटम हमें चाहिए, हमने लिखा हमें रैम चाहिए, मैं यहाँ पर लिखा हमें रैम लगाएंगे, इसमें हम क्रिएट कर लेते हैं रैम 8GB, 8GB के रैम का तैयार होने वाला है i7, ये भी हमारा रॉ मटेरियल के अंदर में आएगा, ये नंबर्स में काउंट करेंगे। और यहाँ एक बार कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, और हमने लिखा था कि एक 8GB की रैम भी लगेगी इसमें। नेक्स्ट हमने बताया कि इसमें पावर सप्लाई भी लगेगी, SMPS बोलते हैं जिसको, ऑल सी से क्रिएट कर लेते हैं या क्रिएट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं SMPS, ये भी आपका रॉ मटेरियल है, तो इसको रॉ मटेरियल में रखेंगे, इसको नंबर्स में रखेंगे, और यहाँ शॉर्ट में कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और यहाँ पर भी हम लगाएंगे एक SMPS लग जाएगा। हमने कहा और क्या चाहिए, हमने कहा हमारे कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रोसेसर भी चाहिए, तो हमने लिखा यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और सीसे, सॉरी प्रोसेसर चाहिए हमें i7 का, हमने यहाँ लिख दिया i7 का हमें प्रोसेसर भी चाहिए, ये भी हमारे रॉ मटेरियल में जाएगा नंबर्स, ठीक है, और ये एंटर करते हैं, और एक पीस हमें ये भी चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए, हमने लिखा है इसमें लगाने वाले हार्ड डिस्क या SSD 256, तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी 256GB SSD। इसके बाद इसको रॉ मटेरियल में रखेंगे, इसको भी नंबर्स,
और यहाँ पर बता दिया कि इसकी एक क्वांटिटी हमें इसकी मिलेगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें केबल चाहिए कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर केबल या फैन जो भी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, जैसे अब हमें फिलहाल मैं कैबिनेट बना देता हूँ कि हमें कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट ये रॉ मटेरियल में जाएगा, इसको नंबर्स में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक कैबिनेट भी लगेगी, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ बता दिया कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर को जो हम बनाने वाले हैं अपना सीपीयू, उस सीपीयू को बनाने के लिए हमें ये रॉ मटेरियल की लिस्टिंग तैयार की, ये रॉ मटेरियल हमें परचेज करना पड़ेगा, हमें नीड रहेगी इस रॉ मटेरियल की। इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे चलते हैं, तो हमने लिस्टिंग बना ली है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं वाउचर्स में, F9 से हमने परचेज किया, इनवॉइस नंबर हमारा डाल दिया, हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 111, और यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया, हमने पार्टी बनाई जिससे हमने अपना रॉ मटेरियल परचेज किया है। हमने कहा कि ये है टेक्नो कंप्यूटर जिससे हम परचेज कर रहे हैं। क्या क्या है, तो ये सिंडिकेटर में जाएगा क्योंकि हम इससे माल परचेज करेंगे। इसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन भरते हुए कंट्रोल ए कर देते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल ए, और हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बना दिया परचेज का, परचेज कंप्यूटर्स, या हमने सिर्फ परचेज अकाउंट बना लेते हैं, परचेज अकाउंट, इसको परचेज में रखते हैं। अब हमें सभी रॉ मटेरियल अपने परचेज कर लेते हैं, जैसे हमने 256 की हमने 10 SSD परचेज करी है जिसकी अमाउंट है 3000 पर, NOS कैबिनेट भी हमने परचेज कर ली 10, इसकी अमाउंट भी डाल देते हैं हम, हमने ये इतने रुपये परचेज किया है। इसका रॉ मटेरियल परचेज करना, याद रखना i7 नहीं खरीदना क्योंकि वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, हम रॉ मटेरियल से ही तो बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। हमने मदरबोर्ड खरीदा जिसकी कीमत समथिंग कुछ इतने की है। इसके बाद हमने इसमें प्रोसेसर भी हो गया हमारा, प्रोसेसर भी परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट रैम, नेक्स्ट आपका आता है SMPS पावर सप्लाई, ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको, तो हमने ये ले लिया पावर सप्लाई। तो हमने ये रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब अपना प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया, अब उसके लिए तैयार करते हैं। कीबोर्ड पर अपना ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल। हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंप्यूटर का i7। कितने पीस, जैसे ही हम देखेंगे आप 5 पीस प्रेस करेंगे कि हमें 5 पीस तैयार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये एरिया फिल हो जाएगा कि 5 पीस को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। ये रॉ मटेरियल लगेगा, क्वांटिटी भी आ गई, अमाउंट भी आ गई। इसके बाद अगर आपको इसको बनाने के लिए हमारा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस देनी पड़ी है, हमको पावर लगी है, हमारे बिजली लाइट का भी कुछ खर्चा हुआ है, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे जिससे एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लग जाए। तो इसको ऑल्ट सी करते हुए हमें बना लेते हैं, हमने वेजेस एंड पावर के नाम से हमने इसको बना दिया। ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसको प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, और यहाँ पर हमने बोल लिखा कि हमारा टोटल इसका खर्चा हुआ है लगभग लगभग, हमने 5 पीस तैयार करे तो हमारा मतलब 5000 रुपये डाल देते हैं कि 5000 हमारा वेजेस और पावर भी लगी है दोनों को मिलाकर। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो पर एनुअस का आपका अमाउंट आ गया कि हमें जो मैन्युफैक्चर किया है वो आपको कितने का पड़ रहा है, 14000 रुपये पर एनुअस, ठीक है, यानी 14000 का आपका एक CPU और कंप्यूटर आपका i7 का तैयार हो रहा है। अब चाहे तो आप अपने स्टॉक में जाके चेक कर सकते हैं, आपको स्टॉक में आपको दिखाई देगा रॉ मटेरियल भी और आपका जो मेन पर, ठीक है। ये देखो फिनिश गुड में दिखा रहा है, 5 पीस हमारे कंप्यूटर बन चुके हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो बचा हुआ है वो रॉ मटेरियल ये है जो हमारे पास 5 पीस बचा हुआ है, क्योंकि हमने परचेज किया था 10 10 पीस, जिसमें 5 पीस यूज होकर हमारा कंप्यूटर बन गया और बाकी के 5 पीस की क्वांटिटी यहाँ पर रखा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको जब सेल करेंगे तो ऐसी बात है, थोड़ा प्रॉफिट से देखेंगे, तो मैं इसको सेल भी करके दिखा देता हूँ। F8 का बटन प्रेस करते हुए सेल करते हैं और एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रखा मैंने सूर्य कंप्यूटर, और ये रहेगा हमारा डेटर, तो इसको संडी डेटर के ग्रुप में रखेंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हुए कंट्रोल ए कर देते हैं हम इधर, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनाते हैं जो अंडर भी सेल्स में ही जाने वाला है। इसके बाद
अब आप देखेंगे आपका कंप्यूटर तैयार हो चुका है, 5 पीस हमने पांचों को पांचों सेल कर दिए, 14 का हमें पड़ा था तो हमने इसको मान लेते हैं 16,000 रुपीज़ में अपना प्रॉफिट जोड़ते हुए सेल कर दिया। ठीक है तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।